भारत का मेगा अभियान मिशन सूर्ययान। इसरो के फैसले से नासा भी हैरान। बस थोड़ा इंतजार, इसरो का सूर्य नमस्कार। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो अब सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन आदित्य L1 लॉन्च के लिए तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। 2 सितंबर सुबह 11:50 का समय फिक्स कर दिया गया है। आदित्य L1 मिशन दैट इज गेटिंग रेडी एट श्रीहरिकोटा। ये सूर्य की स्टडी के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, जो सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। ये सूर्य के चारों ओर बनने वाले कोरोना के रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन मून के लिए चंद्रयान 3 ने 3,00,000 किलोमीटर की दूरी तय की। सूर्य को समझने के लिए आदित्य L1 15,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यहाँ तक पहुँचने में उसे 127 दिन यानी 4 महीने से अधिक लगेंगे। L1 एक ऐसा जो सन और अर्थ है उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, उसका इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा। उस स्पेशल पॉइंट पे जो है हम इस हमारे ऑब्जर्वेटरी को, आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी को वहाँ पे हम प्लेस करेंगे। ताकि, और दूसरी खास बात है इस पॉइंट की कि इस पॉइंट से हमें सन जो है बिना किसी झंझट के, बिना किसी एक्लिप्स के, बिना किसी एक्लिटेशन के पूरे टाइम विजिबल रहेगा। आदित्य यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर्स का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि सूर्य के केंद्र का तापमान अधिकतम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों की बनाई गई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सूर्य की गर्मी बर्दाश्त कर सके। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भी अंतरिक्ष भेजे जाएंगे। ये पेलोड सूरज के प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और सबसे बाहरी परत की स्टडी करेंगे। 7 में से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे, जबकि 3 पेलोड परिस्थितियों के हिसाब से कणों और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। सूर्य के केंद्र बिंदु का तापमान 27 मिलियन डिग्री फॉरेनहाइट है और इसकी सतह का तापमान करीब 10,000 डिग्री फॉरेनहाइट यानी लगभग 5,500 सेल्सियस है। अगर सूर्य के बाहरी सतह के करीब भी पहुंचा जाए तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण किसी भी चीज का वजन पृथ्वी पर मौजूद वजन से 26 गुना ज्यादा हो जाएगा। अगर इससे भी अंदर जाया जाए तो कन्वेंशन सेंटर आ जाएगा और यहाँ का तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतना तापमान कोई झेल नहीं सकता और कोई भी अंतरिक्ष यान 1 सेकंड में पिघल कर खत्म हो जाएगा। नासा दावा करता है कि उसका पार्कर सोलर प्रोब नामक मिशन सूर्य के सबसे करीब पहुंचा है। नासा ने इसे 2018 में लॉन्च किया था। ये सूर्य के करीब पहुंचकर नष्ट हो गया था।